आखिर में सुखबीरी ने अपने पीहर में ही अपना ठिकाना जमा दिया आपके अपने बाप के घर। तो एक दिन जो लड़का सुखबीरी के लिए ब्याह हुआ था वही अपने दो साथियों को साथ लेकर के और गांव भिडुक में पहुंचता है और अपनी सास से कहता है, मेहरबान सुखबीर बीमार भी थी, किसी डॉक्टर का इलाज चल रहा था जिसकी दवाइयां सुखबीर लेती थी। तो वो लड़का अपनी सास से कहता है कि मैं सुखबीर से मिलना चाहता हूं, मुझे कुछ दवाई बतानी है। मेहरबान आप समझते हैं कि सास के लिए जवाई बेटे से भी ज्यादा प्यारा होता है। अपने जवाई की बात सुनकर के सास ने अपनी बेटी को समझा करके सुखबीरी की मां ने सुखबीरी को समझा करके महावीर के पास भेज दिया। मेहरबान महावीर छत पर सुखबीर का इंतजार कर रहा था और सुखबीरी से कहने लगा कि घर वालों की अकल खराब है, जहां तेरा और मेरा मन मिला है तो तीसरे का क्या काम बीच में, मैं तुझे चाहता हूं तू मुझे चाहती है, तेरे साथ कोई ऐसा सलूक मैं नहीं होने दूंगा, लेकिन कुछ इंतजार कर और ले ये दवाई, डॉक्टर ने बदल के दी है तो इस दवाई को ले ले। मेहरबानो दवाई के बहाने सुखबीरी को छत पर जहर पिला देता है और जहर पिलाने के बाद अपने साथियों सहित भिडुकी से फरार हो जाता है। और सुखबीरी जैसे ही नीचे उतरती है, नीचे उतरते उतरते गफलत उसके शरीर पर सवार हो जाती है और अपनी माँ से किस तरह कहने लगती है, सुनने की बात है, कभी ने क्या लिख दिया। अकीर तीर मेरी माँ बेकार बंधावे मेरा आलिया वास्त अकीर तीर मेरी माँ घोर तवाई माता मीठा बनके धोखा कर गया प्यार में तेरा जवाई रे माता पे लगाया जहर मुझे वो पता के दवाई माता पे लगाया जहर मुझे पता के दवाई माता ओ हो बढ़िया दुश्मन खोदे बार तारे रे बार तार नारे कोई कैसे दिल समझावे मेरा आलिया वास्ते अखी होने के लिए मिलाया जाता है, इसलिए नहीं कि पति पत्नी को जहर देकर के मारते। किस तरह वाला कवि ने क्या लिख दिया, हरी पत्नी
और पति काला तारी पतली और पति काला ता मिल पे उम्र बिताने को हाजिर कर दे जान तलक भी प्यार में साथ निभाने को फेरों पहला वचन भरे जारे लोग में चेहरे पिलाने को फेरों पहला वचन भरे जा लोग में चेहरे पिलाने को कोई के कर ले बेसवा खास जापे अपना तगारी कमावे आलियावा मेरा आखिरी वक्त है सुनने की बात है लोगों किस तरह कहने लगी रोज मरते वक्त की बात है आखिरी दम की सुखबीर के क्या अल्फाज थे बुला ले पिता को चल तेरे बुला ले पिता को चल दी डोली तो करेंगे त्यार पहुंची बांध चलूं भाइयों के तमन्ना ये अंतिम बांगर जन्म जन्म तक याद रहेगा जननी माँ तेरा पावन प्यार जन्म जन्म तक याद रहेगा जननी जन्म भूमि पार ना मेरी पार ना मैं गांव में सदा याद भिडू किया वे मेरा आलिया की आवाज कहने लगी किस तरह कवि ने लिखा सुनने की बात अरे सुखते जिना पति दे सुखते जिना पति देव कोई गलती हो तो करना माप शादी करियो ठाट से अब तो हो गया रस्ता साफ गरीबों की बेटी होना रामेश्वर क्या होता पाप गरीबों की बेटी होना रामेश्वर क्या होता पाप होगा धर्मी गम के राग भाग तेने किसे की पार बसावे मेरा आलिया वास्त पर इससे पहले दो बात सुन लो भैया इस रागनी पे खुश होकर चौधरी इलेक्ट्रॉनिक्स छाता यूपी 1100 रुपया धर्मी तवर को इनाम देते और पैसा भूखो न और सुनो भाई इससे भी और बड़ा इनाम
हमारे भाई साहब रामवीर सिंह सहरावत, रामवीर सहरावत गहलब निवासी, 2100 रुपया धर्मी तवर।